नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। उदयपुर मंदिर मार्ग का सीमांकन शुरू। अतिक्रमणकारी और प्रशासन की बैठक संपन्न। सहमत दुकानदारों को धन्यवाद, असहमत को होगा नोटिस जारी। नायब तहसीलदार, असहमत दुकानदारों पर जुर्माने के साथ हो सकता है प्रकरण पंजीबद्ध। जी हां, उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य आखिरकार शुरू हो ही गया। नायब तहसीलदार दूजीराम अहिरवार के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अमले ने आज ग्राम उदयपुर के नीलकंठेश्वर मंदिर में एक बैठक आयोजित की, जिसमें अतिक्रमणकारी चिन्हित दुकानदारों को बुलाया गया था, जिनसे प्रशासन ने स्वेच्छा से सरकारी भूमि पर से 10-10 फीट जमीन छोड़ने को कहा, जिसमें अधिकांश दुकानदारों ने सहमति जता दी। कुछ लोगों ने इस प्रक्रिया पर असहमति जाहिर की, जिस पर नायब तहसीलदार दूजीराम अहिरवार ने असहमत दुकानदारों को दो टूक समझा दिया कि आज ही नोटिस जारी होंगे और जो निशान लगाए जा रहे हैं उस स्थान तक की सरकारी रास्ते की जमीन स्वेच्छा से अतिक्रमणकारी हटा लें, अन्यथा आज के बाद कभी भी प्रशासन अतिक्रमण शक्ति से हटा देगा और विरोध जताने वाले व्यक्ति पर जुर्माने के साथ साथ प्रकरण पंजीबद्ध हो सकता है। नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों को समझाया कि उदयपुर के विकास के लिए स्वयं ही भूमि को छोड़ दें। गंज वसोदा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलन चौबे की एक रिपोर्ट। श्री नीलकंठेश्वर जी के रास्ते के बारे में बहुत दिन से मांग चल रही थी चौड़ीकरण के लिए। उसी क्रम में हमने आज जो है SDM साहब के निर्देशन में मौके पे गए और मंदिर परिसर में ही हम लोगों ने सभा बुलाई गई। अतिक्रमणक को वहाँ बुलाया गया और इसके बाद उनकी इच्छाएं व्यक्त कराई, तो उसमें से कुल 33 लोग थे अतिक्रमणक। उनमें से जो है 17 लोगों ने जो है सहमति मौके पे दे दी और इसके बाद 16 लोग रह रहे थे। फिर हमने उनको समझाया तो उनको कुछ लोगों के ऊपर समझ में आई। इस प्रकार से 5-6 लोग रह रहे थे सहमति बगैर। जो है हमने मौके पर भूमि को चिन्हित की और चिन्हित करके जो है वहाँ निशानात कराए और फिर से उस जगह को यहाँ से मतलब हम भी रास्ते के किनारे से 10-10 फिर दोनों तरफ जो है सब निशान करवाए।